पटना सिटी के खुसरूपुर थाना की पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की 700 किलो गांजा की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र को गुप्त सूचना मिली थी कि खिरोदपुर के समीप गांजा की बड़ी खेप कंटेनर से पहुंचने वाली है और गंगा के पार ले जाया जाएगा। एसपी ने थाना अध्यक्ष सरोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सादे लिबास में पुलिस कर्मियों को आसपास तैनात किया। सूचना के आधार पर एक कंटेनर गंगा घाट पर आकर लगी। वाहन के लगते ही पुलिसकर्मी ने घेराबंदी कर वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस के आने की भनक लगते ही गांजा तस्कर और वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर नौका पर भी सभी बैठकर वैशाली की तरफ गंगा पार कर गए। वाहन की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा की पैकेट देख पुलिस वाले हैरान रह गए। वाहन से पुलिस ने 6,93,400 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में मूल्य करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। वाहन से पुलिस ने 693.400 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में मूल्य करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। कंटेनर से 2 मोबाइल बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बरामदी को लेकर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वाहन किसकी है और गांजा कहां से लाई गई है, छानबीन की जा रही है। वो गुप्त सूचना थाना पर प्राप्त हुई, जिसमें थाना अध्यक्ष और संबंधित टीम के द्वारा करीब 1:30 बजे रात्रि को खिरोधरपुर के पास गंगा नदी के पास सूचना मिली। उसके आधार पर पूरे टीम के द्वारा छापामारी की गई। खिरधरपुर में गंगा किनारे के कंटेनर में रखा हुआ काफ़ी मात्रा में गांजा वगैरह बरामद हुआ। कितना किलो है? करीब 7 क्विंटल है।